सही के लिए पाखी ने क्या कहा अश्विनी से। हेलो दोस्तों, आपने लॉग इन किया है फिल्म बीट। भाई बात करें सीरियल गुम है किसी के प्यार में की, तो आपको बता दें सीरियल का आने वाला ट्रैक जो है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप देखेंगे कि किस तरह जहां पाखी का बदला बदला सा रूप दिख रहा था, तो इस बार आप फिर से देखेंगे कि पाखी जो है अश्विनी से सही के लिए कुछ कहती है। तो क्या कहती है पाखी अश्विनी से, तो चलिए बताते हैं। आने वाले एपिसोड में दोस्तों आप देखेंगे कि किस तरह पाखी जो है अश्विनी से कहती है कि सही तो आपकी फेवरेट थी, तो आपकी दुश्मन कैसे बन गई। अब वो टाइम याद करिए ना जब सई ने घर के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं, अब वो सब क्यों भूल गई। ये सुनकर अश्विनी भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। साथ ही भाई अश्विनी तो उल्टा पाखी को भड़का ही रही है। जहां पाखी सुधर गई है वहां अश्विनी अब विलन लग रही है, क्योंकि अश्विनी जो है पाखी से कहती है कि जब विराट सई और सभी को भुलाना चाहता है, जब वो सई को भुलाकर आगे बढ़ना चाहता है, तो तुम क्यों बार बार विराट को उन्हीं सब में धकेल रही हो, उसे आगे बढ़ने दो। वहीं पे पाखी है, वो कहती है कि मैं जानती हूँ विराट आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि विनायक की तबीयत कितनी ज्यादा खराब है। विनायक की तबीयत के लिए ही सही हम अपने गिले शिकवे भुला करके आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन अश्विनी के सर पर भाई क्या सवार है ये तो कह नहीं सकते, क्योंकि अश्विनी बार बार यही कह रही है पाखी से कि तुम सही को भुलाने में विराट की मदद करो, उल्टा उसे और याद मत दिलाओ। अब ये बात सुनकर पाखी भी परेशान है कि वो कैसे सही को वहाँ लेकर आए और फिर से विनायक का इलाज करवाए, क्योंकि पाखी कहीं ना कहीं अच्छे से जानती है कि सही ही है जो विनायक का इलाज कर सकती है और उसे ठीक कर सकती है, लेकिन ये घर वाले ऐसा होने नहीं दे रहे। वहीं आप आगे देखेंगे कि किस तरह भवानी जो है वो भी विराट पर भड़कने लगेगी और विराट से कहेगी कि सही इस घर में वापस नहीं आनी चाहिए। इसी बात पर विराट भी भवानी पर भड़क जाएगा और कहेगा मैं जानता हूँ आप लोग चाहते हैं कि सही इस घर में वापस ना आए, हालांकि मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन विनायक के इलाज के आगे मैं कुछ नहीं देखूंगा। विनायक मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और हमारी लड़ाइयों के बीच में विनायक नहीं आना चाहिए, जिस बात से भवानी का भी मुंह बन जाएगा। अब एक तरफ जहां भवानी है और दूसरी तरफ अश्विनी, और दोनों ही ये नहीं चाहते कि सई जो है इस घर में वापस आए, लेकिन दूसरी तरफ विराट है और पाखी है, दोनों ही चाहते हैं कि विनायक के इलाज के लिए सई वापस आ जाए, क्योंकि विराट और पाखी दोनों का ही रोल जो है वो सेल्फिश सा नजर आ रहा है। दोनों ही खुदगर्ज बन गए हैं ताकि विनायक का इलाज सही कर सके, और इसलिए वो लोग चाहते हैं कि सई जो है वापस आ जाए। अब देखना तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा जहां इन सबकी लड़ाइयों के बीच में सई की एंट्री होगी और सई का इन सब पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि विनायक को आप देखेंगे कि किस तरह विनायक जो है बस यही रट लगाए हुए है कि उसे सही वापस चाहिए, सही से ही वो इलाज करवाएगा। हालांकि अब तो डॉक्टर भी कह चुके हैं कि विनायक जिससे इलाज करवाना चाहता है आप लोग उसी से इलाज करवाइए, लेकिन विराट और पाखी ये बात मानने को तैयार नहीं है। हालांकि कहीं ना कहीं विराट और पाखी तो मान भी जाते हैं, लेकिन पूरा परिवार जो है सबके सब सही पे भड़के हुए हैं। तो ऐसे में देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा जब सई की चव्हाण निवास में दोबारा एंट्री होगी और फिर से सई का भवानी और अश्विनी से सामना होगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टीवी और बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से ही सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे भी जल्दी से लाइक कर दें।